प्रदेश के सिंचाई और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को सहजनवा में स्थित मंडी समिति के सरकारी धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया तथा वहां पर धान क्रय की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि धान क्रय केंद्रों का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए तथा किसानों को सुविधा उपलब्ध कराई जाए और यदि कोई किसान बिना पंजीकरण के भी धान बेचने के लिए लाता है तो उसका भी धान क्रय किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय से जनवा के विधायक शीतल पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एक तारीख में एक किसान का धान खरीदोगे सबसे संपर्क सर कोई दिक्कत हो आपकी दिक्कत तो किसान है चार पाँच किसान आए हैं किसान आइए चार साल से हर साल खरीदता हूँ तो किसान हर साल हमारा यहाँ धान खरीदता है। क्या नाम है आपका? श्री भागवत यादव। किसान ग्राम रावत रावत आज लाए हाँ। तुल गया आपका खरीद दिनेश किस तारीख से शुरू हुआ दिनेश 15 से और डुमरी में चढ़ाव में हुआ 20 तारीख से 500 कुंटल धान खरीदे 7 लोग बेचे डुमरी एक सेंटर है। पिछले बार गेहूं के खरीद में 36 लाख रुपए का घोटाला था। पकड़े गए 15 लाख रुपया उन्होंने जमा किया। आरएमओ साहब ने कहा कि हम एफआईआर करेंगे। डीएम साहब ने भी कहा एफआईआर करवाएंगे। आज तक एफआईआर नहीं। फिर उनको धान क्रय केंद्र का भी चार्ज दे दिया गया यहाँ वही तुम्हारी सदर सगर। अभी यहाँ धान किसान जब जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं कि बाबू मेरा धान नहीं खरीदा जा रहा मेरा धान नहीं खरीदा जा रहा। ये लोग मनमानी तरीके से बेच कौन रहा है धान किसान। जैसे एक गरीब इलाका है यहाँ जो धान पैदा होता है हमारे खेत में तो अमीन का बस्ता पहुँच जाता है बनिया का बोरा पहुँच जाता है और सूदखोर का डंडा। हम बरहत सौ में 1750 आप दे रहे हैं हम बरहत सौ में उसको बेच दिए बढ़िया और वो इकट्ठा करके इन केंद्रों पर धान दे रहे हैं। पर बिचौलिए को आप दूर करने के लिए बड़े साल से इंतजाम कर रहे हैं कि हमारी सरकार कर रही है कि बिचौलिए ना धान बेचें